निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को प्रयागराज में केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच वो स्वर्गीय उमेश पाल के परिजनों से भी मिले। डिप्टी सीएम ने उमेश पाल को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही परिजनों को सुरक्षा और सुविधा देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय उमेश पाल के परिवार का हर सदस्य मेरे परिवार की तरह है, परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद से किन्हीं कारणों से मैं प्रयागराज नहीं आ सका था, लेकिन अब प्रदेश सरकार से उमेश पाल के परिवार की सुरक्षा और बढ़ाए जाने के साथ ही अन्य सुविधाओं पर चर्चा की गई है, जिस पर सरकार जल्द निर्णय लेगी। श्री उमेश पाल जी की दुखद हत्या की प्रयागराज के अंदर घटना के बाद संयोग से मेरा आना नहीं हुआ था, क्योंकि परिवार का हर सदस्य मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। उनको श्रद्धांजलि देना, परिवार के लोगों से बातचीत करना, उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कोई कमी न रहे, यह सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। और उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे, और उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ चर्चा करके पहले ही हम लोग ढूंढ किए हैं, लेकिन और सुरक्षा चौकस रखते हुए और प्रयागराज मेरा और प्रदेश अपराध मुक्त और कानून व्यवस्था हर प्रकार से चुस्त और दुरुस्त रहे, इसका हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं, आगे और मजबूत। अलकायदा ने सितार जुड़ते हैं जा रहे हैं, इसे धमकी भी दी है इस तरह से। ये आपसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पूरा विश्वास रखिए, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए सुरक्षा कवच है। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो घट गई उमेश पाल जी के साथ, इसमें सुरक्षा में लगे हुए दो हमारे जवानों को भी बलिदान देना पड़ा है। मैं उमेश पाल और उन मल्दानी दोनों अपने जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो धमकी देगा उससे निपटने में आप ये समझ लीजिए कि हमारी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो सक्षम है।